मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के 8 बार सांसद रहे पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के नाम पर रतलाम चिकित्सा महाविद्यालय होगा। उक्त आशय की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में आयोजित कार्यक्रम में की। इस घोषणा के बाद रतलाम में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में हर्ष व्यक्त कर जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे का स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, जिलाधीश नरेंद्र सूर्यवंशी, जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े सहित गणमान्यों ने किया। पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के पुत्र जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर लाल शर्मा, वरिष्ठ नेता श्री भैरव सिंह शेखावत, राजमाता विजय राजे सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदर लाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, प्यारे लाल खंडेलवाल सहित विभिन्न राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सर्वप्रिय साथी रहे पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने लगातार एक ही सीट से 11 बार सांसद का चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाया, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू को पराजित करने का रिकॉर्ड भी देश में प्रथम बनाया। संसद की रक्षा, विदेश, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन सहित विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों के सभापति के रूप दायित्व निभाते हुए पांडे ने 48 से अधिक देशों की यात्रा कर समितियों के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह, जनसंघ के प्रदेश महासचिव के रूप में भी दायित्व निभाया। लोकसभा में सचेतक, विधानसभा में सचेतक रहे डॉक्टर पांडे कई बार लोकसभा में अध्यक्षता की। आधा दर्जन पुस्तकों के लेखक और चिकित्सा क्षेत्र में ख्यात डॉक्टर पांडे अखिल भारतीय औदिच्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे। सरल, सहज, मालवा के गांधी के रूप में ख्यात डॉक्टर पांडे की जन्म जयंती के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री चौहान द्वारा की गई इस घोषणा पर विधायक डॉक्टर पांडे के अलावा विभिन्न गणमान्यों ने हर्ष व्यक्त कर मुख्यमंत्री चौहान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।